एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में व्यापार सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक पुलिस लाइन के सभागार में की गई। बैठक में व्यापारियों की सुरक्षा, लूट छिनैती जैसी घटनाओं को लेकर अब तक की गई कार्यवाही तथा व्यापारियों में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में एसपी क्राइम ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि उनकी जो भी समस्याएं होगी उनका समय से निस्तारण किया जाएगा। बैठक में महानगर व्यापार प्रकोष्ठ से जुड़े संगठनों के पदाधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, एक बार आ गया तो मतलब वो हो गया। एक साल एक कोरम पूरा करने से इतनी भीड़ है वो भी कम हो जाएगी। यही हाल रहा, तो भीड़ कम नहीं होगा कि सर एक्शन लेंगे जो है। एक्शन मतलब अकेले नहीं ना होगा, आप बताइए उच्च अधिकारी ना ना तिवारी कई बहुत बड़ी घटनाएं हुई है। ये विषय तो काफी दिनों से मतलब कई मीटिंग्स में उठाया गया है और उस पर अभी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। बारूडिया में दिन दहाड़े लूट हुई है, दिन दहाड़े हत्या हुई है, तमाम घटनाएं हो चुकी है। टिकट की कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, ये व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की मीटिंग डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार प्रत्येक माह की जाती है। अभी तक पिछले माह तक के सभी 17 प्रकरण थे, सभी पुराने जो मसले थे उस पर चर्चा की गई। अभी कुछ एक में कार्रवाई हो नहीं पाई है, लंबित मामले अभी लंबित हैं। एक आध प्रकरण में निस्तारण भी हुआ है और ये दो मुद्दे नए आए हैं। एक अवैध दुकान चलाने वाली बात है, वो रोड किनारे जबरदस्ती दुकान चलाना, ये राजघाट और ये घंटा घर के पास कुछ लोग जबरदस्ती अपना मंगलवार के दिन अपना ये दुकान चलाते हैं। इस पर देख रहे हैं कि संबंधित थाने को बताया जाएगा। और इसी तरह से नौसर चौराहे के पास ये ट्रैफिक जाम की समस्या, ये चोरी और ये चोरी होना लूट के संबंध में, ट्रैफिक संबंध में, यही सब बिंदु रहे हैं आज इस गोष्ठी में।